किरण ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। गुणनखंड के सवाल अपन ने काफी कुछ किए थे और कुछ और सवाल करते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि ये सवाल है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इस सवाल को कैसे हल करेंगे। सवाल बिल्कुल सरल है, अपने को दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इस पूरे पार्ट को अपन एक मान लेना है। ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है तो इस पूरे पार्ट को एक मान लेना है, तो वही अपना सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सूत्र लगेगा जो कि अपन ने पूर्व वाले पिछले वीडियो में इस सूत्रों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। ये सूत्र का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, इस पूरे पार्ट को एक मान लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस और बी की जगह पे हो जाएगा अपने ए इक्वल टू, लिख देता हूं मैं दोस्तों सरल करने के लिए इसको, ए इक्वल टू हो गया अपने ए, क्योंकि यहाँ पे भी ए स्क्वायर है यहाँ पे भी ए स्क्वायर, और बी इक्वल टू हो जाएगा अपने बी माइनस सी, इस पूरे पार्ट को एक मान लिया है तो b इक्वल टू अपने पास हो गया c। अब सवाल को हल करते हैं तो a, सवाल क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होगा a प्लस बी, b की जगह पे अपना ये पूरा पार्ट है तो इस पूरे पार्ट को लिखना है b माइनस सी। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं a माइनस बी, a माइनस बी, b की जगह पे क्या है अपना दोस्तों, देखो b की जगह पे ये पूरा b माइनस सी है, यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है b माइनस सी, इस प्रकार से लिखेंगे a माइनस बी लिखा है मैंने a माइनस बी, दोस्तों b की जगह पे b माइनस सी है अपना सवाल के अनुसार, तो b की जगह पे मैंने b माइनस सी लिखा है, तो a माइनस बी माइनस सी इस पूरे पार्ट b की जहां पर b आ रहा है उस जगह पे अपन को लिखना है b माइनस सी। यहाँ तो प्लस था तो सीधा लिख दिया लेकिन यहाँ माइनस है, समझने वाली बात ये है a प्लस बी माइनस सी, ये वाला पार्ट तो आ गया सेम। अगले पार्ट में देखो दोस्तों a तो आ जाएगा और माइनस है तो माइनस का इसके साथ गुणा हो गया माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस सी हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, इस माइनस का गुणा इसके साथ करते हैं तो माइनस माइनस प्लस सी। यहाँ पे अक्सर अपन यही गलती कर देते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी है तो माइनस बी और माइनस सी लिख देते हैं, यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी जो कि बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होगा और a माइनस बी प्लस सी होगा, सही उत्तर ये होगा। ये उलझाने के लिए कंपटीशन में इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, बिल्कुल सवाल सरल है लेकिन इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि b की जगह पे अपन ने क्या लिखा, b की जगह पे b माइनस सी, तो ये पूरा b पार्ट आ गया इसकी जगह पे b माइनस सी, लेकिन ये जो अपना माइनस है वो इसके आगे है, इसके आगे है तो इस पूरे पार्ट के लिए ये माइनस का चिन्ह काम कर रहा है, तो ये माइनस भी होगा और इस माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस प्रकार से उत्तर अपना ये आता है। सवालों को इस प्रकार समझे, ये सवाल में उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन, अगला सवाल करने का प्रयास करते हैं इनका प्रयोग करते हुए सूत्रों का। देखो दोस्तों अपने सामने अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस प्रकार का सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखो दोस्तों इसमें चार फंक्शन है, एक दो तीन और चार, इसमें कोई भी सूत्र सीधा नहीं लग रहा है तो इसमें अपन को कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा, और इसमें देखते हैं दोस्तों क्या कॉमन फैक्टर आएगा। अपने को यहाँ पे x है लेकिन बाकी कोई मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी
टू ए है, तो इन दोनों पार्टों को अपन पास करते हैं, तो इसके लिए बी को आगे ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस टू ए बी, एक्स स्क्वायर इस बी वाले पार्ट को आगे ले लिया मैंने और टू ए वाले दोनों पार्टों को पास में कर दिया। ये इसलिए किया कॉमन फैक्टर लेने के लिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें टू ए है इसमें भी टू ए कॉमन आ रहा है, इन दोनों का एक फंक्शन बन गया अपने और ये दोनों एक हो गए। अब देखते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सवाल चेंज हो गया, अपने सामने नहीं चाह रहे थे, यहाँ पे सूत्र का प्रयोग हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, वही सूत्र वापिस ये प्रयोग हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला सूत्र इस आगे वाले पार्ट के लिए प्रयोग में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस जगह पे इस पार्ट के लिए फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ए प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र प्रयोग में आएगा। तो यहाँ पे अपने क्या आ गया, ए इक्वल टू कितना हो रहा है एक्स और बी इक्वल टू बी, बी की जगह पे यहाँ पे भी बी ही लिखा हुआ है तो बी ही आएगा, तो ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू बी, इसको आगे हल करते हैं तो ए की जगह पे अपन को लिखना है एक्स लिखना है, तो एक्स प्लस बी और एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी, ये आगे वाले का हो गया। अब यहाँ से आगे हल करना है टू ए एक्स माइनस टू ए बी, इसमें भी देखो दोस्तों अपन ने टू ए को कॉमन ले लिया, टू ए को कॉमन ले लिया तो आगे क्या बचा, टू ए इसमें से कॉमन आ गया तो यहाँ पे खाली एक्स बचा, एक्स लिख दिया अपन ने माइनस, इसमें भी टू ए कॉमन आ गया तो यहाँ खाली बी बचा, इस बी को मैंने लिख दिया, सवाल अपना हल हो रहा है बिल्कुल इजी वे में। अब अपन देखते हैं दोस्तों आगे कुछ और अपन को समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये देखो दोस्तों एक्स माइनस बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक्स माइनस बी है, ये पूरा एक फैक्टर है और ये पूरा एक है, तो इसमें देखो यहाँ पर भी एक्स माइनस बी है और यहाँ पर भी एक्स माइनस बी है, तो एक बार और कॉमन ले सकते हैं, सवाल और भी सरल हो जाएगा, एक्स माइनस बी को मैंने और कॉमन ले लिया तो अपने पास यहाँ पे एक्स माइनस बी को कॉमन लिया, यहाँ पे बचा एक्स प्लस बी, अगले वाले पार्ट में एक्स माइनस बी कॉमन में आ गया तो पीछे क्या बचा दोस्तों प्लस का टू ए, इस प्रकार से ये सवाल का अपना उत्तर हो गया। अब आगे हल नहीं होगा, सवाल यही कंप्लीट होता है और अपना आंसर आ गया एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी प्लस टू ए, एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी प्लस टू ए, इस प्रकार से सवाल को अपन ने बिल्कुल ही सरल तरीके से हल कर दिया। नेक्स्ट अगला सवाल और करते हैं, गुणनखंड के अंतर्गत सवालों को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अभ्यास, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से सवालों को अपन कर पाएंगे। अगला सवाल और करने का प्रयास करते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, फोर ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस टू बी, फोर ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस टू बी, सवाल बिल्कुल ही सरल है, इसमें पीछे वाले पार्ट में कोई नहीं है लेकिन आगे वाले पार्ट में अपने को यहां से यहां तक में दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो जहां पर अपना जो अपन को दिखाई देता है उसको तुरंत ही प्रयोग में लाओ, यहाँ पे अपने क्लियर दिख रहा है तो तुरंत ही अपन ने ले लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र का प्रयोग कर लिया, इस सूत्र का प्रयोग जैसे ही किया अपन ने आगे वाले पार्ट में ए इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा अपने पास टू ए और बी इक्वल टू आ जाएगा टू बी, देखो दोस्तों टू ए में टू ए का गुणा करेंगे अपन, टू ए इंटू टू ए इक्वल टू 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 जा फोर, टू में टू का गुणा करेंगे तो दो दो चार और ए स्क्वायर चार ए स्क्वायर अपने पास आ गया चार ए स्क्वायर, इसी प्रकार बी का करेंगे तो बी फोर बी स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, तो इस प्रकार बी का मान कितना आ गया टू बी और ए का मान टू ए। अब सूत्र में मान रखना है तो इस पार्ट के बराबर क्या कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए की जगह पे अपन को लिखना है टू ए और बी की जगह पे लिखना है टू बी, अब मैंने सवाल को पुट अप किया
ए की जगह पे लिखा 2a प्लस 2b, अगला 2a माइनस 2b, ये वाला आगे वाला हल हो गया अपने। अब इसको और आगे देखना है, इस वाले भाग को एज इट इज एक बार लिख देते हैं, 2a प्लस 2b, इस प्रकार से आगे वाले भाग को लिख दिया और ये भाग अपने लिख दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ कुछ और चीज नजर आ रही है अपने सामने, 2a प्लस 2b यहाँ पे है और 2a प्लस 2b इधर भी है, मतलब अपन इधर भी है और इस पूरे कोष्टक का गुणा इस कोष्टक के साथ है, ये अपन क्लियर जानते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट एक माना जाएगा, यहाँ से लगा के यहाँ तक एक भाग है और यहाँ से लगा के यहाँ तक एक भाग है, चिन्ह प्लस का यहाँ पर है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर है, इसके बीच में ये पूरा एक कोष्टक है, ये पूरा एक कोष्टक है और ये पूरा एक कोष्टक है। तो इस पूरे पार्ट को एक माना और इस पूरे को एक माना और उन दोनों के अंदर अपन ने कॉमन ले लिया, 2a प्लस 2b को कॉमन ले लिया। इसको कॉमन लेने से क्या हुआ, ये इधर से कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा खाली 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b और यहाँ पे ये 2a प्लस 2b था जो पूरा पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे खाली बचा प्लस 1। इस प्रकार से बिल्कुल ही तीन लाइन का सवाल, 2a प्लस 2b मल्टीपल 2a माइनस 2b प्लस 1, बिल्कुल ही सरल सवाल है दोस्तों। सवाल को आगे बढ़ने का तरीका, सबसे पहले सवाल को देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है या सीधा सूत्र का प्रयोग हो रहा है। यदि सीधा सूत्र का प्रयोग हो रहा है तो बिल्कुल सरल तरीके से अपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्रयोग किया तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए की जगह पे 2a लिखा, बी की जगह पे 2b लिखा, सूत्र का प्रयोग किया, 2a प्लस 2b आ गया, 2a माइनस 2b आ गया। यहाँ सबसे समझने वाली बात यहाँ पे आके खड़ी होती है कि इस पूरे भाग को एक मानना है, एक फंक्शन मानना है, और इस पूरे भाग को एक फंक्शन मानना है, इस पूरे में से ये वाला अपन ने आगे कॉमन लिया है तो ये बचा जो मैंने यहाँ लिखा, और इसमें से इसको कॉमन लिया जो बाहर आ गया था, तो यहाँ पे एक का गुणा करेंगे तो आएगा, तो प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पे प्लस 1, और इस प्रकार से सवाल हो गया। अपन कुछ और सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल अपने क्या कहता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुणनखंड सवाल बिल्कुल सरल तरीके से। अगला सवाल अपना कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, बहुत ही रोचक सवाल, बहुत ही रोचक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, बिल्कुल छोटा सा दिखता हुआ सवाल और बिल्कुल ही गुणनखंड का सवाल, रोचक सवाल। इस प्रकार के सवाल बहुत ही सरल सवाल होते हैं और कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इसको कैसे हल करेंगे, इसमें न तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है न ही किसी सूत्र का प्रयोग हो रहा है। ऐसे सवाल देखते ही एक्स की घात 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है, मतलब घटती हुई घातों में है, एक्स की बढ़ती और घटती हुई घातें हैं, ये घटती हुई घात आ गई यहाँ पे, तो घटती हुई घातों में उस समय कैसे हल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है अपने सामने ये वाली माइनस 12, माइनस 12 है, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के ये देखना है कि लास्ट वाला पार्ट जो माइनस 12 है तो इसमें 12 संख्या क्या है, 12। इस सवाल में ये देखना है इस बीच वाले पार्ट को ऐसे टुकड़ों में बांटना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ करने पर, जोड़ यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पर बीच में एक्स के गुणांक आ जाए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो एक है, एक्स का गुणांक कुछ नहीं है मतलब एक है, एक का गुणा करेंगे तो वही पार्ट आएगा, एक्स ही आएगा, और यहाँ पे एक्स का मान नहीं है, यहाँ पे सभी कॉन्स्टेंट है और संख्या है 12। और 12 में अपन को ऐसी संख्या ढूंढनी है कि इसका मल्टीपल गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, तो घटाने के बाद बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने के बाद एक्स मतलब एक आ जाना चाहिए। देखो दोस्तों, 4 में अपन 3 का गुणा करेंगे तो 4 से 12 आ रहा है अपने पास, और 4 में से 3 को घटाया तो अपने पास 1 आ गया, 4 में 3 का गुणा किया तो 12 आ गया, मतलब 4 में 3 का गुणा करने पर 12 आ रहा है और 4 में से 3 को घटाया 1 आ रहा है, तो ये 1 अपने यहाँ पे इसका x का गुणा 1 है, मतलब अपने सवाल सेटिस्फाइड हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ये चिन्ह महत्वपूर्ण है, घटाना है या जोड़ना है,
यहाँ चिन्ह माइनस का है तो घटाना है, यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। यहाँ पे माइनस का था तो अपन ने घटा लिया। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 3x। अपन ने क्या किया, 4x में से 3x को घटाएंगे, कितने बचेंगे, 1x बचेगा जो कि ऊपर है, बिल्कुल राइट है, और माइनस 12। सवाल को है वैसा कैसा सवाल है, लेकिन सवाल को इस पर कन्वर्ट किया, इस प्रकार से कन्वर्ट किया ताकि सवाल को अपन आसान तरीके से हल कर सके। देखो दोस्तों क्या किया अपन ने, 4 और 3 अपने पास आगे थे तो 4 में से 3 घटाने पर 1 आता है तो ये 1 आ गया, 4x में से 3x घटाए तो x आ गया, तो इस x को 2 टुकड़ों में विभाजित किया, ये 1 था, अपने यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। अब आगे क्या करना है, देखो दोस्तों अब अपन को ये देखना है इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। अब यहाँ पे 4 पार्ट हो गए तो 2-2 की जोड़ी बना लेते हैं अपन, अक्सर 2-2 की जोड़ियां बनती है दोस्तों, पता होगा आपको। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो x को मैंने कॉमन ले लिया, x कॉमन लेते हैं यहाँ बच गया x प्लस, यहाँ x बाहर आ गया तो 4 बचे। अगला पार्ट माइनस कॉमन ले लिया और 3 कॉमन ले ली, 3 कॉमन में आ गए और माइनस भी कॉमन में आ गया तो x बचा, माइनस माइनस कॉमन कॉमन में आ गया तो प्लस के 4, 4 में 3 का गुणा करने चाहती है 12, सीधा रहा है। अब देखो दोस्तों ये पूरा पार्ट 1 है और यहां से लगा के ये पूरा पार्ट 1 है, दोनों में x प्लस 4 है तो x प्लस 4 को फिर कॉमन ले लिया अपन ने, x प्लस 4 को कॉमन लेते ही अपने बचा x माइनस 3, x प्लस 4 x माइनस 3 अपना सवाल हल हो चुका है दोस्तों। x प्लस 4 और x माइनस 3 इसको और छोटे टुकड़ों में अपन विभक्त नहीं कर सकते, अतः यही अपना फाइनल आंसर है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन संख्याओं को ढूंढना, कि यहाँ पे जो भी संख्या लिखी है इसमें यदि एक्स स्क्वायर का गुणा दे रखा है तो उस संख्या का भी गुणा होगा, लेकिन यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे कोई गुणा नहीं हुआ और 12 ही रहे। 12 में ऐसी संख्या ढूंढनी है कि ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है, 12 को ऐसे 2 टुकड़ों में विभक्त करना है, गुणा करने पर 12 आना चाहिए और माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर बीच वाला पार्ट आ जाना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यदि ये सब मैं सब सवाल समझ में आते हो आ गए हो तो इसको लाइक जरूर करें दोस्तों और कमेंट जरूर करें। अगला सवाल करते हैं अपन दोस्तों, अगला सवाल है अपने सामने 2x² - 7x - 15, 2x² - 7x - 15 इस प्रकार का सवाल है ये 2x - 7x - 15। अब देखो दोस्तों जो मैं बात महत्व बताना चाहता था वही सवाल मैंने लिया है, देखो 2 आगे एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 2, तो इसमें इस संख्या का गुणा करेंगे, सबसे पहले 15 × 2 अपने पास संख्या आ गई 30, इस 30 को लेना है, 30 के ऐसे टुकड़े करने 30 के कि गुणा करने पर 30 आना चाहिए और यहाँ पे चिन्ह किसका है दोस्तों माइनस का, घटाने पर 7 आ जाने चाहिए, घटाने पर 7 आने चाहिए, इसके गुणा करके देखो दोस्तों इसमें 10 का गुणा करेंगे अपन 3 का, 30 आ गया दोस्तों। और आगे देखो 10 में यहाँ माइनस का चिन्ह है, 10 में से 3 को मैं घटाता हूँ तो अपने पास मेरे आ जाते हैं 7, मतलब इस सवाल में ये फिट बैठता है, तो इसको अपन यहाँ पे प्रयोग करना है और बीच वाले 7x को 10 और 3 में बदलना है, तो ये सवाल ये होगा 2x² - 10x + 3x - 15। अब देखो दोस्तों माइनस के 7x थे अपने पास तो माइनस के 10x और प्लस के 3x ले लिए, तो माइनस के 10x में से प्लस के 3x है, प्लस माइनस 3x, 3 को कम करने पर माइनस के 7x आ जाते हैं अपने पास, मतलब सवाल के अकॉर्डिंग ही अपन चल रहे हैं। अब सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया अपने सामने, ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट, इसमें से अपन ने 2 का भाग भी जा रहे हैं तो 2 भी कॉमन ले लो, अपने क्या जाता है 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा, x की गलत 2 तो कॉमन ले लिया, x भी आ गया तो x बचा, माइनस इधर से 2 और x कॉमन आ गया यहाँ पे बचा 5, 5 बचे क्योंकि 2 को 2 का टेबल 5 बार बोलने पर 10 आते हैं, तो 5 बचे, माइनस अगले देते प्लस,
इधर देखो दोस्तों तीन के पार्ट में 15 आते हैं तो तीन को कॉमन ले लेता हूं मैं, ताकि x और 5 दिया 15 x माइनस 5 वही सवाल सेम टू सेम x माइनस 5। ये पूरा पार्ट एक ले लिया, ये पूरा पार्ट एक हो गया, इधर से मैंने x माइनस 5 को कॉमन ले लिया, तो अगले में बचा अपने पास 2x प्लस 3। x माइनस 5 को कॉमन ले लिया 2x बचा, और इधर x माइनस 5 को कॉमन ले लिया 3 बचा, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से मात्र 3 लाइन में बिल्कुल सरल तरीके से सवाल कंप्लीट हो गया। महत्वपूर्ण चीज इसमें देखने वाली बात यही है कि इस लास्ट जो कॉन्स्टेंट है जहाँ x का गुणांक नहीं है उसका गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करना है, जो कि हमने यहाँ पे किया 15 × 2 तो 15 में 2 का गुणा करने पर 30 आ गए। अब 30 ही महत्वपूर्ण संख्या है, उसको ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि गुणा करने पर वो संख्या आ जानी चाहिए, जो कि 10 में 3 का गुणा करने पर 30 आ गई। और यहाँ चिन्ह देखना दोस्तों, प्लस का है माइनस का, यदि माइनस का है तो घटा के लानी है और प्लस का है तो जोड़ के बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो माइनस का था 10 में से 3 घटाए तो 7 आगे आगे दोस्तों मैंने बता दिया है बिल्कुल सरल तरीके से, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल क्या कहता है। गुणनखंड बिल्कुल ही सरल टॉपिक है, सबसे सरल टॉपिक, इसको सीखने के लिए सबसे ज्यादा ये अभ्यास मांगता है, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे अपन उतना ही जल्दी तरीके से इसको कर पाएंगे। देखो दोस्तों अगला सवाल अपन करते हैं, x की घात 3 प्लस 8y की घात 3, x की घात 3 प्लस 8y की घात 3, इस प्रकार का सवाल है। सवाल देखते ही समझ में आ रहा है घात 3 है, मीन्स घात 3 वाला सूत्र प्रयोग में आएगा। घात 3 में कौन सा सूत्र था देखो दोस्तों, थोड़ा सा याद करो, दिमाग में प्रेशर डालो, a की घात 3 प्लस b की घात 3 इक्वल टू क्या था सूत्र, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र था अपने सामने। a की घात 3 यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो प्लस का लगाया, a की घात 3 प्लस b की घात 3 इक्वल टू a प्लस b होल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 2ab नहीं आएगा, सबसे देखने वाली बात है। यहाँ पे अपन a प्लस बी का होल खोलते हैं, जैसे कि मैं समझाता हूँ, देखो दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा, यहाँ मात्र ए स्क्वायर प्लस ab का ही प्रयोग होगा। ये मैंने समझाने के लिए इसको लिख दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अपन सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल में देखो दोस्तों, यहाँ a की जगह पे क्या है, तो a इक्वल टू अपने पास है x, क्या है दोस्तों x, और b की जगह पे है अपने पास में, इसको मैं लिख लेता हूँ 2y। ये b की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y, क्योंकि 2y में 3 बार गुणा करता हूँ इंटू 2y इंटू 2y, तो 2 में 2 का गुणा 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, और y 2 3, y की घात होगी 3, जो कि हमारा ये सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ रहे हैं। तो b की जगह पे अपने आ गया 2y और a की जगह पे हो गया x, और मेन जो सूत्र है अपना सवाल को हल करने का ये रहा दोस्तों, a की घात 3 प्लस b की घात 3 इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो दोस्तों a की जगह पे अपन को x प्रयोग करना है, तो x प्लस 2y, आगे देखो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है प्लस ए बी, ए में बी का गुणा है तो x में 2y का गुणा, तो 2xy, और लास्ट में है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में इसका स्क्वायर करना है तो प्लस 2 × 4y स्क्वायर, इस पूरे का मैंने स्क्वायर कर लिया है। इस प्रकार से सवाल अपना मात्र एक लाइन में सीधा हल हो गया, इसको और छोटे भागों में अपन हल नहीं कर सकते हैं, यही अपना उत्तर होगा। देखते हैं x प्लस 2y आ गया अपने पास में, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखो दोस्तों यहाँ और देखने वाली बात है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फिर प्रयोग हो रहा है, जो मैंने अभी सूत्र लिखा था उस सूत्र का यहाँ पर भी फिर प्रयोग हो रहा है, तो इसको अपन और भी प्रयोग करके इसको और भी सरल बना सकते हैं।
या तो आ गया अपने पास x प्लस टू वाई और यहां पे आ जाएगा, इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं x प्लस टू वाई, और इसके बराबर अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस, मैं सूत्र वापिस लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या सूत्र है अपने पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला सूत्र है अपने पास दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे आ रहा है ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी ए की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स और बी की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों बी की जगह पे टू वाई आएगा। देखो दोस्तों यहां समझने वाली बात है कि बी की जगह पे अपने टू वाई आ रहा है, यदि बी की जगह पे टू वाई आ रहा है टू की जगह पे यहाँ पे फोर होना चाहिए था, यदि यहाँ फोर होता तो इस सूत्र का प्रयोग होता, मतलब इस सवाल को अपन और छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं कर सकते और इस सवाल का फाइनल आंसर यही होगा क्योंकि यहाँ पे फोर वाई आना जरूरी था जबकि ना कि यहाँ फोर वाई नहीं है तो टू ए बी के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, जैसे कि टू वाई और फिर इसमें एक तो वाई की जगह पे ये है और इधर एक्स था और इसमें फिर अपन टू ए बी बनाएंगे तो क्या बनेगा टू दो की चार और एक्स वाई, क्या बना चार एक्स वाई, चार एक्स वाई यहाँ पे कितना एक्स वाई है टू एक्स वाई, तो टू एक्स वाई दे रखा है जिसको और छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं होता है तो और आगे ये सवाल सरल नहीं होगा। अब अपन एक दो सवाल और करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से गुणनखंड के सवाल किस प्रकार से प्रयोग करना इसके बारे में अभ्यास कर रहे हैं अपन। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर सवाल लेते हैं, ए प्लस बी की घात तीन माइनस आठ, ए प्लस बी की घात तीन माइनस आठ, अब इसको कैसे हल करेंगे देखो दोस्तों ए की घात तीन और इधर दो लिख देते हैं तो यहाँ पे हो रहे अपने दो इंटू दो इंटू दो बराबर इक्वल टू एट, दो की घात तीन लिख सकते हैं अपन, इसको इजी वे में लिख सकते हैं दो की घात तीन के रूप में अपन लिख सकते हैं और इधर ये पूरा पार्ट एक मानना है ए की घात तीन, वही सूत्र आ गया ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन का सूत्र यहाँ प्रयोग होगा, ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर हो गया दोस्तों, ए माइनस बी की घात तीन ए माइनस बी, यहाँ माइनस है तो पहले माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा और यदि यहाँ प्लस है तो पहले प्लस आएगा और बाद में माइनस आता है तो यहाँ पे अपने प्लस में आ गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करना है अपन को, ए इक्वल टू कितना है देखो दोस्तों ए इक्वल टू ये पूरा पार्ट है ए की जगह पे पूरा पार्ट है तो ए प्लस बी, ए इक्वल टू कितना हो गया ए प्लस बी और बी इक्वल टू कितना हो गया ये बी है तो बी यहाँ पे लेना है तो दो की घात तीन है तो बी इक्वल टू हो गया अपने पास दो, ए की जगह पे ए प्लस बी और बी की जगह पे दो। इस सवाल को अपन और इस प्रकार से भी लिख सकते थे जैसे ए प्लस बी होल की घात तीन इक्वल टू दो की घात तीन, ए की घात तीन होगी बी की घात तीन होगी, ए की इक्वल टू ए प्लस बी और बी इक्वल टू टू हो गया। अब आगे और हल करते हैं, सूत्र के अनुसार बढ़ना है आगे बढ़े, ए माइनस बी ए की जगह पे क्या लिखना है ए प्लस टू और माइनस बी, यहाँ पे क्या है माइनस बी तो माइनस लिखा बी के जगह पे आ गया अपने टू। आगे बढ़ते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ मैं बड़ा कोष्टक कर देता हूं और ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया दोस्तों प्लस ए बी, ए की जगह पे ए प्लस बी आ गया और बी की जगह पे टू, संख्या हमेशा आगे लिखते हैं टू को मैंने आगे लिख दिया दोस्तों, ए और बी हो गया ये ए और बी, ए बी के बाद क्या है तो आगे दोस्तों बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना होता है दो का स्क्वायर चार हो गया दो की चार, सवाल अपने इस प्रकार से हो गया है। अब इसको और आगे हल करते हैं, देखो और हल होता है या नहीं होता है देखते हैं, देखो ए प्लस बी माइनस टू और आगे है
इसको और हल करेंगे तो इसका कोष्टक खोल देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि अपन ने सूत्र लिखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ये इसका भी अपन खोल देते हैं तो टू ए प्लस टू बी, टू का गुणा ए के साथ, टू का गुणा बी के साथ और प्लस फोर। इस प्रकार से सवाल चेंज हो गया अपना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस टू बी प्लस फोर। इसको और हल करने की कोशिश करते हैं, क्या यह और हल हो सकता है या नहीं होता है, देखते हैं। देखो दोस्तों इस सवाल के अंदर देखो ए प्लस बी माइनस टू है और इधर माइनस का चिन्ह नहीं है, मतलब कॉमन आने की संभावना नहीं दिख रही है, मतलब ये और आगे हल होने की संभावना नहीं है। तो ये अपन यहाँ पे इस सवाल का फाइनल आंसर यही होगा अपना, इसको और आगे हल नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ और अगला कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे।